सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है कि जो हमारा नेट रिजल्ट है वो किस चीज से सेंसिटिव है, किस चीज से सेंसिटिव हो सकता है। ओके, जैसे कि आपका बॉडी है, जुकाम हो जाता है, डस्ट आता है, तो यह सेंसिटिव टू डस्ट। लाइक दिस, हमारा जो प्रॉफिट है वो कई चीजों से सेंसिटिव हो सकता है। ये सेंसिटिव हो सकता है सेलिंग प्राइस से, जैसे इस सेलिंग प्राइस में चेंज होगा भैया प्रॉफिट में प्रभाव पड़ जाएगा। क्या होएगा? बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो घट गया। यानी कि प्रॉफिट इज वेरी सेंसिटिव टू द व्हाट, द सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अब आप अपने आप बताओ, क्या प्रॉफिट इज सेंसिटिव टू द वेरिएबल कॉस्ट? यस और नो? यस। यानी इस सेंसिटिव डेटा एनालिसिस में अपन लोगों को कुछ भी जो है नया पढ़नो ही ना है, एकदम पढ़ पहले का पढ़ा हुआ है। यानी जैसे ही सेंसिटिव एनालिसिस थारे दिमाग में आवे है, तन्ने ये बात समझ जानी कि इसमें कुछ भी नया नहीं करना, अपन को तो प्रॉफिट ही निकालनी है। कैसे? तो बोलेगा अब भाई सेलिंग प्राइस बढ़ गया 5% से, चल प्रॉफिट निकाल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर इंडिविजुअल आइटम को प्रॉफिट तक लेके जाना पड़ेगा। डाउनलोड द ऐप एनी टाइम क्लासेस बाय सीए क्लासेस इन ऐप, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड एंड इन टैब। लर्न लाइक नेवर बिफोर बाय फुल कोर्स एट प्रमोशनल प्राइस। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ATC ऐप for free motivational videos. यानी कि सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ तो प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ? वेरिएबल कॉस्ट, क्या वेरिएबल कॉस्ट क्या प्रभाव डालेगा प्रॉफिट पे? डालेगा। चलो जी, वो भी सेंसिटिव है। यानी कि प्रॉफिट इज सेंसिटिव टू वेरिएबल कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट में चेंज होने से प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। यानी कि फिक्स कॉस्ट से भी सेंसिटिव है। क्या नंबर ऑफ यूनिट सेल से, नंबर ऑफ यूनिट सेल को चेंज करने से प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। तो ये क्या है? वो भी सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव एनालिसिस में अपन लोग ये निकालते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है या कौन कौन सा वेरिएबल है जो प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो चेंज इन सेलिंग प्राइस विल इन्फ्लुएंस द चेंज इन प्रॉफिट। तो ये क्या है? सेंसिटिव है। प्रॉफिट इज सेंसिटिव टू द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज सेंसिटिव टू द वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट इज सेंसिटिव टू द फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट इज सेंसिटिव टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। सो प्रॉफिट इज सेंसिटिव टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट एक बात ध्यान रखना, सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक एक फैक्टर को एक एक बार आप लेंगे, कलेक्टिव नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है लेकिन टफ नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप 12वीं क्लास 12th क्लास से निकालते आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अभी के समय में सेंसिटिविटी का क्या मतलब होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देखिएगा, सेंसिटिव एनालिसिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग इम्पैक्ट इन द प्रोजेक्ट NPV और IRR फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। अंडरलाइन है वन ऑफ द वेरिएबल, यानी कि किसी एक वेरिएबल पे चेंज होने से NPV या IRR पे क्या फर्क पड़ा, ये हम एनालाइज करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस पे। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग इंपैक्ट इन द प्रोजेक्ट्स NPV और IRR फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या हो सकता है? वेरिएबल कैन बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO। वेरिएबल कैन बी द कंज्यूमर डिमांड, दैट इज डिमांड कितना हुआ। वेरिएबल कैन बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वेरिएबल कैन बी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है।
कॉस्ट हो सकता है, डिमांड हो सकता है, सेलिंग प्राइस होता है, चेंज इन कॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस में डिसीजन लेना है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको प्रॉफिट ही निकालनी है, यानी कि ये ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर का अपन लोगों के लिए आखिरी चैप्टर। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसको मैंने लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बिल्कुल वही आ गया जो मैंने पहला चैप्टर लिवरेज में किया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और मैंने कहा था कि अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपको अच्छी तरह से आ गया तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब सिलेबस खत्म हो गया। अब देखते हैं, आपको अच्छी तरह से पता लग गया कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में अपन लोगों को प्रॉफिट ही निकालनी है विद द चेंज इन द फैक्टर, कि अगर सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ तो प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ, अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ तो प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ, अगर फिक्स्ड में कॉस्ट से चेंज हुआ तो प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड में चेंज हुआ तो प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ, हर एक चेंज प्रॉफिट को कितना प्रभावित करता है, यही हमें एनालाइज करना पड़ता है सेंसिटिव एनालिसिस में। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेंसिटिविटी एनालिसिस, एक बार कान खर के सुन लीजिएगा, हर चेंज पे आपको आखिरी तक जाना पड़ेगा, हर चेंज को एक ही स्टेप्स में आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय फॉलोइंग द स्टेप्स एज बिलो। वन, फाइंडिंग द वेरिएबल व्हिच हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द एनपीवी और आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। पहला स्टेप है, आप उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कीजिए जिसका एनपीवी पे प्रभाव है। ये आइदर सेलिंग प्राइस हो सकता है और वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है और फिक्स कॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको फाइंड आउट करता है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल विच इन्फ्लुएंस द एनपीवी और द आईआरआर। सेकंड है, एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, यानी कि कितना इन्फ्लुएंस करता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखनी है। एंड स्टेप थ्री है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द ईच ऑफ द वेरिएबल ऑन द एनपीवी, यानी हर चेंज का इफेक्ट कितना हुआ, आपको यही देखना है। आप स्टेप्स के बारे में बिल्कुल भूल जाइए, बस एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली देगा कि आपको कौन सा वेरिएबल है, कौन सी चीजें हैं, कितना इफेक्ट है, यानी इसकी सेंसिटिव एनालिसिस में अपने दिमाग को खोल के उसमें सिर्फ एक बार डाल दीजिए कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालनी है, एनपीवी निकालनी है, और वो क्वेश्चन साफ बोलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट में इतना चेंज हुआ तो कितना होगा, फिक्स कॉस्ट में इतना चेंज हुआ तो कितना होगा। बस दिमाग में बना लीजिए कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालनी है। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कंसेप्ट क्वेश्चन एक, काश कोई सीए स्टडी मटेरियल को एक मूवी की तरह बना देता, काश कोई कंसेप्ट समझा देता, काश कोई की पॉइंट्स याद करवा देता, काश एग्जाम में लिखते टाइम सारे पॉइंट्स एक मूवी के सीन की तरह सामने आ जाते, फिर तो एग्जाम में लिखने का मजा ही आ जाता। काश क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में जाना ही ना पड़ता। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल विद एटीसी। चिंता नहीं करने का, एनी टाइम क्लासेस है ना, लर्न एवरी पॉइंट ऑफ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल एंड आरटीपी। एटीसी इज नॉट जस्ट क्लासरूम रिकॉर्डिंग, योर एग्जम्पशन इज इंश्योर्ड, इट मेक्स यू केपेबल to write an exam. Learn content like movie. Learn like never before. First see, then believe. Question आपके सामने, screen के सामने आ रहा है। X Limited is considering its new product with the following detail. X Limited is considering its new product with the following details. साफ देख रहा है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 पे इनिशियल कैपिटल कॉस्ट 400 करोड़, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट 400 करोड़, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट 400 करोड़ को अंडरलाइन कीजिएगा, ये आउटफ्लो है। ये क्या है? आउटफ्लो है, मेरी बात समझ रहे ना, ये आउटफ्लो है। कैपिटल बस्टिंग आपने जब भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते होंगे तो टोटल कैश इनफ्लो में से, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से इसको आप माइनस करते होंगे। हमने बहुत सारे सवाल निकाल रखे हैं, ये आउटफ्लो है। एनुअल यूनिट इन सेल, एनुअल यूनिट इन सेल 5 करोड़ है, यानी 5 करोड़ यूनिट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100 है,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, तो अगर 5 करोड़ यूनिट है एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, देन 5 करोड़ इंटू 100 सेल वैल्यू होगा। ये बात आप जानते होंगे अच्छी तरह से। कैलकुलेटर आपके पास होता है तो कितना बड़ा फिगर आएगा उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 50 है। एंड फिक्स कॉस्ट पर ईयर 50 करोड़ है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 है, आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 है, देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका पास 50 आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से नंबर ऑफ यूनिट से आप गुणा करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से आप 50 माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप यू हैव डन इट वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड इट। डिस्काउंट रेट 6% है। आप यहाँ क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ताकि आपको आगे हेल्प मिलेगा। अब क्वेश्चन बहुत क्लियर है। अब रिक्वायर्ड कह रहा है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन जा रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आपके क्वेश्चन निकाल के आ जाएंगे। आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है या सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एनपीवी इफ और 2.5% एडवर्स वेरियंस ऑन ईच वेरिएबल। ये कहता है कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी इफ अ 2.5% एडवर्स वेरियंस इन ईच वेरिएबल। अब देखिए 2.5% एडवर्स वेरियंस इन ईच वेरिएबल बोला। अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, 2.5% एडवर्स वेरियंस इन ईच वेरिएबल। अंडरलाइन कीजिएगा इसको बढ़िया से, 2.5% एडवर्स वेरियंस इन ईच वेरिएबल। मतलब समझ में आया? मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस 2.5% से घट गया तो वेरिएबल कॉस्ट 2.5% से बढ़ गया तो फिक्स कॉस्ट 2.5% से बढ़ गया तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 2.5% से घट गया तो ये बात इसने बोल दिया। मतलब एक लाइन बोल के हमें ये कई स्टेटमेंट या प्रॉफिट निकलवा लिया। बट कोई बात नहीं, हम निकालेंगे, जिंदगी इसी से बनने वाली है। जिंदगी बनानी है तो मेहनत करेंगे, हम कब मेहनत से पीछे उठे हैं। विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट, कौन सा वेरिएबल है जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट को प्रभावित किया है, यानी हमें हर वेरिएबल के चेंज में प्रॉफिट निकालनी है और ये दिखानी है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से चेंज इन फैक्टर से हुआ है। कंसीडर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 years, यानी 3 साल तक जाया जाएगा। अब हम सबसे पहले ए का सॉल्यूशन, ए क्वेश्चन आपके पास यहां आ गया। पहला क्वेश्चन हम एज इट इज करते हैं एनपीवी आराम से। अब चूंकि एक लाइफ 3 years है और कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म है तो हर साल का हमें जरूरत नहीं है, हम सम ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर से गुना करके सीधा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन सिनेरियो में कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। सिंपल पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो पर ईयर पर्टिकुलर्स अमाउंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100। क्वेश्चन में देखिए दिखा हुआ, यस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 क्वेश्चन में दिया है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100 माइनस 50। अब क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ? 5 करोड़। देन 50 इंटू 5 करोड़, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 250 करोड़। फिक्स कॉस्ट पर ईयर 50 करोड़, माइनस कर दिया 50 करोड़। नेट कैश इनफ्लो पर ईयर इज हाउ मच? 200 करोड़।
नेट कैश इनफ्लो पर ईयर इज हाउ मच 200 करोड़ सिंपल. अब मैं चाहता तो इसको द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इसी में निकाल देता, दैट इज 200 इनटू सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये आपको अच्छी तरह से पता है. बट चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो एक एक को खोल खोल के समझाना पड़ेगा. तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ईयर 1, 2, 3. सेकेंड कॉलम हमारे पास आ रहा है कैश फ्लो. कैश फ्लो कितना है ईयर 1 में 200 करोड़, ईयर 2 में 200 करोड़, ईयर 3 में 200 करोड़. थर्ड कॉलम 6% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाता है, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. 6% पे हमारे पास ईयर 1 के एंड में 0.943, 0.890, 0.840. अब 200 इंटू 0.943 188.6, 200 इंटू 0.890 178, 200 इंटू 0.840 168. हमने इन तीनों को जोड़ा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू हुआ 534.6. लेस कैश आउटफ्लो, क्वेश्चन में देखिए 400 करोड़ था, माइनस किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 134.6. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज हाउ मच 134.6. हमारा एक क्वेश्चन निकल गया, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, इसमें कहीं भी कुछ भी ट्रिकी नहीं है. अब हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में. डाउनलोड द ऐप एनी टाइम क्लासेस बाय सीए क्लासेस इन ऐप, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड एंड इन टैब. लर्न लाइक नेवर बिफोर बाय फुल कोर्स एट प्रमोशनल प्राइस. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द एटीसी ऐप फॉर फ्री मोटिवेशनल वीडियोस. और सेकेंड क्वेश्चन में हमें एनपीवी निकालना है लास्ट तक, राइट, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम निकालते हैं क्वेश्चन 2, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन विद द चेंज इन ईच वेरिएबल. कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन विद द चेंज इन ईच वेरिएबल. हर वेरिएबल को जितना चेंज हो सकता है हम कंट्रीब्यूशन के लिए यही रख लेते हैं. पर्टिकुलर चेंज इन सेलिंग प्राइस, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, चेंज इन यूनिट्स, चेंज कैश आउटफ्लो. हमारे पास जितने फैक्टर हैं हमने समझे ले लिया. सेलिंग प्राइस का चेंज इन्फ्लुएंस करेगा, वेरिएबल कॉस्ट का चेंज सेंसिटिव है प्रॉफिट के लिए, फिक्स कॉस्ट का चेंज सेंसिटिव है प्रॉफिट के लिए, नंबर ऑफ यूनिट का चेंज सेंसिटिव है प्रॉफिट के लिए, चेंज आउटफ्लो का जो हमारा जो टोटल आउटफ्लो है उसका चेंज सेंसिटिव है प्रॉफिट के लिए. अब पहला ही रो में हम देखते हैं नया, अब 2.5% से कम हुआ है, सेलिंग प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड. So change in selling price, now it is what? Selling price is 97.5. अब हम second row में आते हैं, new selling price हमारे लिए adjustment के पास 97.5. अब देखना, change in variable cost ले रहे हैं तो सिर्फ variable cost का change ले, एक मिनट एटर साहब जैसे लिखा हुआ है वैसे जाइएगा. तो अब first में देखते हैं change in selling price, यानी selling price अब हो गया 97.5, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 51.25, फिक्स कॉस्ट अब कितना हो गया 51.25. ध्यान दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट टोटल है. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अब कितना हो जाएगा 4.875 करोड़ एंड चेंज इन कैश आउटफ्लो हो जाएगा 410. अब हम एक एक करके आगे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन में. सेलिंग प्राइस इक्वल टू 97.5,
पूरा खत्म करते जाएंगे एक एक ऑप्शन में. वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन 50 बिकॉज सिर्फ सेलिंग इन सेलिंग चेंज इन सेलिंग प्राइस ही लेंगे. एक एक इनसेंसिटिविटी को एक एक बार लेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही में सारा लेंगे. तो अभी सिर्फ सेलिंग प्राइस का चेंज कितना ज्यादा इफेक्ट किया उसको मेजर करना है. तो सेलिंग प्राइस 97.5, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा 50, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 47.5, यूनिट रहेगा 5 करोड़, देन टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 237.5, फिक्स कॉस्ट 50 रहेगा, देन कैश फ्लो फॉर एनम 187.5 ही रहेगा. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन पर एनम एंड टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने देख लिया. अब आपने देखा कि कंट्रीब्यूशन जो आपका आ रहा है पर एनम 237.5, इसमें से फिक्स कॉस्ट आपने माइनस किया 50, कैश इनफ्लो पर एनम आ गया 187.5. अब 3 ईयर है, कैश इनफ्लो पर एनम इक्वल है. अब आप ऊपर देख रहे हैं 0.943 प्लस 0.890 प्लस 0.840, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका आ गया 2.673. यानी कि कैश इनफ्लो पर एनम को 2.673 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, और उसमें से आउटफ्लो माइनस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. तो हमने क्या किया, 187.5 इंटू 2.673, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया 501.19. लेस करेंगे कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो 400, देन एनपीवी कितना आ गया 101.19, क्या आ गया 101.19. अब हम सेकेंड सिनेरियो में, यानी सेकेंड केस में हम अब इसी एनपीवी को निकालेंगे. अब इस केस में ध्यान रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो गया है 51.25, लेट्स गो, कोई दिक्कत नहीं है. सेलिंग प्राइस 100, पहले वाला. वेरिएबल कॉस्ट 51.25, नया वाला. कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 48.75, यूनिट सेम 5 करोड़. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 243.75. फिक्स कॉस्ट कितना माइनस करेंगे 50, तो हमारे पास कैश इनफ्लो पर एनम कितना आ जाएगा 193.75. इसको सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से गुना करेंगे, देन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ जाएगा 517.89. कैसे आया, 193.75 मल्टीप्लाइड बाय 2.673, कितना आ गया 517.89. अब इसमें से आपने माइनस किया कैश आउटफ्लो, हाउ मच 400, सो 517.89 माइनस 400, व्हाट वी गेट 117.89. सो आपने देखा इसमें प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ा, बाद में एनालिसिस कर लेंगे. अब हम थर्ड केस में आ रहे हैं, चेंज इन फिक्स कॉस्ट. हमारे लिए अब फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट कितना है 5.125, बाकी सब सेम है. सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट ओल्ड सेम 50, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 50, यूनिट सेल कितना है हमारा पहले 5 करोड़, अभी भी कितना हुआ 5 करोड़, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 250 करोड़, 250 करोड़ में अब फिक्स कॉस्ट कितना माइनस करेंगे 51.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 198.75. ये 198.75 एक साल का है, हमारे पास 3 साल है, मल्टीप्लाई करेंगे 198.75 इनटू 2.673, हमारा आंसर टोटल कैश इनफ्लो आ रहा है 531.26, माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो हाउ मच 400, हमारा आंसर कितना आ रहा है 131.26. अब काश कोई सीए स्टडी मटेरियल को एक मूवी की तरह बना देता, काश कोई कंसेप्ट समझा देता, काश कोई की पॉइंट्स याद करवा देता.
काश एग्जाम में लिखते टाइम सारे पॉइंट्स एक मूवी के सीन की तरह सामने आ जाते, फिर तो एग्जाम में लिखने का मजा ही आ जाता। काश क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में जाना ही ना पड़ता। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल विद ATC। चिंता नहीं करने का, एनी टाइम क्लासेस है ना। लर्न एवरी पॉइंट ऑफ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल एंड RTP। ATC इज नॉट जस्ट क्लासरूम रिकॉर्डिंग, योर एग्जामिनेशन इज इंश्योर्ड। इट मेक्स यू केपेबल टू राइट एन एग्जाम। लर्न कंटेंट लाइक मूवी, लर्न लाइक नेवर बिफोर। First see, then believe. उसी प्रकार से हम आते हैं चेंज इन द यूनिट्स। तो चेंज इन यूनिट्स में हमने देखा कि अब हमारा होगा 4.875, बाकी सब सेम है। सेलिंग प्राइस हाउ मच? 100। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 50। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 50। यूनिट कितना है? 4.875 करोड़, यानी यूनिट वाला ही लेना है चेंज। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 243.75। फिक्स कॉस्ट सेम 193.75 मल्टीप्लाइड बाय 2.673 कितना आ रहा है हमारे पास? 517.89। लेस आउटफ्लो 400। How much coming? 117.89. अब हमारे पास आखिरी पे जाना है, चेंज इन द कैश आउटफ्लो। चेंज इन द कैश आउटफ्लो 410 हो गया, बाकी सब सेम है। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50, यूनिट सोल्ड 5 करोड़, यूनिट सोल्ड हाउ मच? 5 करोड़। देन टोटल कंट्रीब्यूशन इज कमिंग हाउ मच? 250 करोड़। देन फिक्स कॉस्ट हाउ मच? 50। फिक्स कॉस्ट इज 50। देन कैश इनफ्लो पर एनम इज हाउ मच कमिंग? 200। 200 इंटू 2.673 वी आर गेटिंग 534.6 माइनस 410। 410 हमारे पास आ गया, आंसर इज कमिंग 124.6। अब आपको देखना है कि कौन सा चेंज था जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब पहले आप प्रॉफिट देखिए, पहले था 134.6 एनपीवी, 134.6। अब देखते हैं 134.6 के बाद सबसे लोएस्ट प्रॉफिट किस में आया है? 101 करेक्ट। यानी कहने का मतलब कि चेंज इन सेलिंग प्राइस इज द वर्स्टली अफेक्टिंग द व्हाट द नेट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि भाई सेलिंग प्राइस में चेंज करने की कोशिश बिल्कुल लास्ट में करना, मतलब अपन लोग वेरिएबल कॉस्ट को करेंगे या हम अपन लोग चेंज इन फिक्स कॉस्ट करेंगे या यूनिट करेंगे या चेंज इन आउटफ्लो करेंगे, इन सबसे ज्यादा बुरी तरह से अगर प्रभावित कर सकता है, बैडली प्रभावित कर सकता है, तो चेंज इन सेलिंग प्राइस है। यानी हमारा प्रोजेक्ट जो है चेंज इन सेलिंग प्राइस से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और वो बहुत बैडली इफेक्ट करेगा होल प्रोजेक्ट को। तो इसके बारे में हम लास्ट में सोचेंगे, यानी कि अगर करना ही है तो हम बाकी के फैक्टर को देखेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस को हम बिल्कुल बाद में देखेंगे। आपको यही एनालाइज करना पड़ेगा कि सबसे कम बियर आप कहां कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कम लॉस क्या करते हैं, पूरा एनालिसिस करके आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि सेलिंग प्राइस को चेंज करने के लिए आखिरी बार में सोचिएगा, क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव वही है। अगर सेंसिटिव एनालिसिस करते हैं, अगर आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, तो उसमें इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस प्रोजेक्ट में रिकवरी सबसे लेट होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा कम निर्णय लें, बाद में निर्णय लें तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। उसके पहले दूसरे जगह ध्यान रखिए, यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा देना ज्यादा अच्छा है रेदर देन सेलिंग प्राइस कम कर देना। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस कहता है कि आपको निर्णय कैसे लेना है। दैट्स टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो अगर दोस्तों
दोस्तों आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया और एग्जाम में निकालने के तरीके समझ में आ गए और आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया और आप कहते हैं आ एग्जाम में क्वेश्चन निकाल के आऊंगा कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, तो आपको एक गुरुदक्षिणा देने पड़ेगी और वो होगा रेफर योर फ्रेंड अबाउट एनी टाइम क्लासेस. थैंक यू वेरी मच. Get updated to score more. Subscribe to Anytime Classes and click the bell icon. Dil se samjhenge, dimag se likhenge, tabhi to exemption aayega. Let's get exemption.